हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ और मैं कांता। फ्रेंड, आज मैं आपको मनी प्लांट की केयर करना बताऊंगी, जो कि विंटर में केयर करना बहुत ज़रूरी है। और विंटर में हमारे प्लांट के पत्ते झड़ जाते हैं, और इसकी केयर हम कैसी करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे पास मनी प्लांट है और इसकी केयर हम विंटर में कैसे करें और कैसे संभाल के रखें ताकि हमारा प्लांट आगे तक अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी बना रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा मनी प्लांट है उसको हमने बाहर रखा हुआ है, तो इसको शेडी एरिया में रखना है, क्योंकि अब ठंड शुरू होगी हल्की हल्की, तो हमारे प्लांट की पत्तियां है जो पीली होकर गिरने लग जाती हैं। जैसे अभी ये देखो, मेरे प्लांट मनी प्लांट की भी पत्तियां पीली पीली हो रही है और ये झड़ने लग गई है। तो ये झड़ने लग जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे प्लांट की पत्तियां झड़ गई हैं, तो कुछ नहीं होता है, ये डोरमेंसी का टाइम होता है इनका, तो पत्तियां तो झड़ती ही है। हर काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, और तब उनका ग्रोइंग पीरियड आता है, तब वो अपनी ग्रो पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि हमारे जो प्लांट बाहर रखा हुआ है उसको हम शेडी एरिया में रखें, हल्की सी सनलाइट मिलती रहे, बहुत है इनके लिए। अगर नहीं भी मिलती है तो हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसकी पानी की हमें देखभाल करनी है, कि अब तो हम पानी इसको दे देते हैं और सर्दियों में हमें इसका पानी का भी ख्याल रखना होता है। इसकी ऊपर की जो है लेयर सूख जाती है, ऊपर की लेयर सूख जाती है, तभी हमें पानी देना है। ज़्यादा पानी अगर हम देंगे तो हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। पत्तियां तो इनकी झड़ेंगी अब, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पत्तियां झड़ती हैं, तो हमें पानी का भी ध्यान रखना है इसका। और तीसरी बात है इसका फर्टिलाइज़र हमें अभी नहीं देना है इसको, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे अब विंटर में ये, और तो फर्टिलाइज़र हमें नहीं देना है इसको। जब ये ग्रोइंग पीरियड पे आएंगे, अपने फरवरी में ग्रोइंग पीरियड है इनका, तो तब हमें इनको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र तभी देना है। अब अगर हम देना चाहें तो थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो हम घर में ही अपने निकालते हैं, जैसे चावल का पानी है, दाल का पानी है, या बनाना पील्स का जो पानी होता है वो दे सकते हैं। तो हमें इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है करनी। अब मेरा भी ये बाहर रखा हुआ है, बालकनी में रखा है, मैं भी इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखूँगी, हल्की हल्की सी इसको लाइट लगती रहे और तो अच्छे से चलेगा और हेल्दी भी रहेगा हमारा प्लांट। तो फ्रेंड्स, मुझे यही आप सबको बताना था कि हमें मनी प्लांट की केयर कैसे करें और हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से चलेगा, और हमारे प्लांट की पत्तियां तो झड़ेंगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोइंग पीरियड है वो रुक जाएगा, और जब बाहर के दिन आएंगे तभी ये ग्रो करेंगे। तो तब तक ये हमारे पत्ते हैं थोड़े से झड़ने लग जाएंगे, पीले हो जाते तो हमें हटा देनी चाहिए इनके ये पत्ते, जैसे पीले होते रहते हैं अब ये इनका, क्योंकि ठंड है, ठंड में ये बाहर बिल्कुल इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इसलिए हमें इनको इंडोर रखना होगा। इंडोर रखने से ही ये प्लांट की पत्तियां वगैरह नहीं झड़ेंगी और हमें इनकी अच्छे से केयर भी हो जाएगी। तो मुझे यही आपको बताना था मनी प्लांट के बारे में। आप भी अपने मनी प्लांट को ऐसे ही रखना अंदर, और बाहर तो ये थोड़ा सा ना डोरमेंसी पीरियड है अभी इनका, अभी ठंड शुरू हो गई है अक्टूबर में, 15 के बाद, थोड़े से ज़्यादा दिन नहीं, बस इतने ही हमें इसको बाहर रख सकते हैं, उसके बाद तो हमें अंदर रखना है ये। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।